अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, नाज़रीन किराम, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद जुनैद खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेट मंदो। ये तो जी नाज़रीन किराम, आज बात करते हैं जनाब पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर, बल्कि दुनिया के मशहूर यूट्यूबर वेला मुंडा। जनाब वेला मुंडा का जो मोबाइल चोरी हुए थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार मोबाइल, और चार मोबाइल भी वो छोटे मोटे नहीं, बल्कि लाखों वाले मोबाइल जो थे, इतना बड़ा खसारा हुआ, नुकसान हुआ, कम से कम 7 से 8 लाख का बड़ा खसारा हुआ, नुकसान हुआ। तो जनाब इसकी जो इन्फॉर्मेशन चल रही है, मालूमात चल रही हैं, इसकी जो न्यूज़ आ रही हैं, इसके बारे में आपको आगाह करता चलूं कि वेला मुंडा का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रात उन्होंने भी खुद आकर बताया है कि मेरे घर ऐसे ऐसे नुकसान हुआ है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल मेन मकसद जो था उनका, जो मोबाइल चोरी करने के लिए उनके घर के करीब ही उनका हमसाया था, वही सारे जो है ना उनके मुकम्मल डिटेल जानता था कि कहाँ पर मोबाइल रखते हैं और कहाँ पर इनका उठना बैठना जाना आना होता है। तो इस तरह उन्होंने मौका जो है ना बनाकर, तो इस तरह उनके सारों के सारे मोबाइल जो है ना चुरा लिए। लेकिन उनका असल मकसद क्या था कि उनके मोबाइल पर चैनल को चोरी करना था, कि उनको पता था कि इतने इनके मोबाइल से आमदन आ रही है, सारा यूट्यूब से कमा रहे हैं, तो इस वजह से तो उन्होंने मोबाइल चुराया। लेकिन उनके चैनल को तो चोरी ना कर सका, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने चैनल को सिक्योर किया होता, क्योंकि वो देखते थे कि इस तरह के चैनल हैक हो जाते हैं, इस तरह के चैनल हैक हो जाते हैं। तो लिहाजा अब उनका चैनल तो वापस आ गया, लेकिन अभी तक मोबाइल की कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन मोबाइल के बारे में आएगी तो हम आपकी तरफ शेयर करते रहेंगे। तो मज़ीद हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मज़ीद मिलेगा अगली वीडियो में। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।